आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आप कैंडिडेट जनाब विक्रमादित्य जी और यहां पे बहुत सारे हमारे कांग्रेस के अहदेदारान लीडर साहिबान लेजिस्लेटर्स उसके साथ साथ दूर दराज एरिया से आए हुए पूरे सतारा की सतारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अहम वर्कर यहां आए हुए साथियों और हमारी कुछ शख्सियत जो आज पहली बार यहां इस मंच पे या सामने खड़ी है हमारी सपोर्ट के लिए मैं उनका भी मशकूर ममनून। यहां पे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और बाकी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम साथी तो उसके साथ साथ आज जिस जगह हम ये बहुत बड़ा हजारों की तादाद में मजमे में ये रैली हो रही है तो यहां पे हमारे दो साथी एक तो बिसोली से बिंदु जी शायद इन्होंने ज्वाइन किया, जरा जोरदार ताली लगाई इनके लिए और उसके साथ साथ हमारे गुलाम नजर मलिक साहब जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया आप इनके लिए भी जोरदार ताली। कहते हैं फर्द कायम रक्त मिलत से तना है कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून है दरिया कुछ। इस मुल्क को चलाने के लिए किसी की शहादत दी हुई जो है वो रायगा कभी नहीं होगा। अगर मुल्क को 60 साल कांग्रेस ने चलाया गांधी जी से लेकर शहादतें शुरू हुई, इंदिरा जी ने शहादत दी मुल्क के लिए, राजू जी ने अपनी जान छलनी कर दी इस मुल्क की अखंडता और एकता के लिए। मुझे बताओ क्या दूसरे किसी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी? और इस मुल्क को अगर शाइनी इंडिया पे पहुंचाया, अगर इस मुल्क को आईआईटी का दर्जा दिलाया, अगर इस मुल्क को इसका विकार और किरदार बुलंद किया वो हमारी इंदिरा गांधी थी जिसको आयरन लेडी कहा जाता था और उसकी सुपुत्राज प्रियंका जी जो मैदान में उतरी है आज इंशाअल्लाह रहमान खुदा की दुआ से और आप भगवान की कृपा से इस हिंदुस्तान में आज आने वाले 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। मैं आपसे 4 सवाल करता हूं मुख्तसर जवान में, आप दूर दराज एरिया से इंद्रवाल से किश्तवाड़ से बदलवा से डोडा से रामबन से बालहाल से रियासी से उधमपुर रामनगर और चिनेनी उसके साथ साथ ये पूरा कुछवा का हीरानगर से लेकर अब्दुबनी बसोली लगन बहुत तक जो लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है मैं मशकूर शुक्र गुजार हूँ आपका। आप सुबह से यहाँ कितने जोश जलवा आप सामने आज देखा, यह आज पहली बार हमें देखने को मिला और हम इसके लिए आपको मुबारकबादी पेश करते हैं। ये सारे लोग जो है ये वर्कर है, वर्कर आज वर्कर यहाँ पे मौजूद है और ये वर्कर रंग लाएगा पूरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुझे उम्मीद मैं चाहता हूं आप बताइए 2014 में जो वोट हमसे हासिल किए गए पहला झूठ, हम 15 लाख रुपए आपके जनधन योजना के तहत अकाउंट में डालेंगे। जरा बताइए किसी के अकाउंट में पास और किसी के अकाउंट में नहीं पड़ा, सारा झूठ। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे, क्या कोई नौकरी लगी?
हमारे बेचारे गांव के आरी की टीचर लगे थे वो भी निकाल दिए। हमारे एनएचएम के जो डॉक्टर थे जिन्होंने 10-10 साल नौकरी, आज वो भी निकाल दिए इनके कारनामे। और उसके बाद ये गरीब जनता को जो हमारे दूर दराज के एरिया के लोग सुबह कहवा पीते थे, छोटी जुड़ी हुई आपसे चीजें हैं, शुगर तोड़कर राशन के लिए बंद कर दिया। आज राशन जो हमारी UPA 2 UPA 1 35 किलो गवर्नमेंट लोगों को देती थी, आज 5 किलो पे सरकार पहुंची। उसके अलावा फैक्ट्री तमाम बंद, कारोबार तमाम बंद, नौकरियां तमाम बंद, मुल्क में कितना फंसा। ये जितनी भी चीजें उन्होंने कही, अब सबसे बड़ा मसला तो कहा था, जिसकी वजह से मेरे हिंदू भाई कहते थे कि नहीं कि हम मोदी जी के साथ जोग-जोग चले। मैं आज सवाल करता हूं इस मंच से, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और बना दिया। आप ही जवाब दीजिए ना, वो भी झूठ। मैं कहता हूं वो तो ऊपर वाले के साथ भी झूठ, ये अफसोस की बात। उन्होंने कहा था 370 खत्म करेंगे, क्या किया? उन्होंने कहा था 35 को इससे निकाल देंगे, फिर कोर्ट में गए, किया? नहीं कर सके। अब मुझे ये बताइए आप, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा पैराशूट है जिससे आप गरीबों की मदद हो सके? मैं मुबारकबादी पेश करता हूं सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह आजाद साहब, जिन्होंने मनरेगा शुरू किया रियासत जम्मू कश्मीर में, और आज 2 साल का पैसा गरीबों का बंद है। है बंद भी नहीं है। आज देखिए PMAY, सिर्फ इन्होंने नाम बदले, पहले राजीव गांधी अदिति का स्कीम थी, आज AJVY, उसको बंद करके दीनदयाल रखा। उसके बाद IAY था, इंदिरा आवास योजना, उसका नाम बदला PMAY रखा। उसके बाद एक न एक चीज पे, हर चीज पे उन्होंने नाम बदले, काम कुछ नहीं किया, 0 के बराबर। आज नरेगा का पैसा, जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते 15 दिन में मिलना था, 2-2 साल का लोगों का पैसा बकाया। आज PMAY की 3 दिन किसने बकाया? आज स्वच्छ भारत जिसका इन्होंने काफी डोल मचाया, ये जो स्वच्छ भारत आई चल के तहत 12,000 गरीबों को दिया जाता था, आज 2-2 साल से पैसा बकाया। बताओ कौन सा शाइनिंग दिया बना, कौन किस बात पर आप इनको वोट देना चाहते हैं? आपके सबका एक्स MP जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं, मुझे इतना ही आप बताइए, 25 करोड़ रुपए MP को उनको मिला, चुनाव वैली तो माइनस से उसे। फारूक साहब आपसे गुजारिश करूंगे, इन लोगों ने आपसे कुछ नहीं लेना है, हमें मालूम है आप एक दयालुदार ईमानदार खानदान, बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर करण सिंह जी ने 1980 तक 4 बार हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के जीता है, बड़ी खिदमत की है उन्होंने आवाम की। मुझे उम्मीद है आप उससे दुगनी खिदमत जो है आवाम की करें। और एक चीज अब है, मैं मुश्किल करूंगा, मुझे मालूम है आप दूर दूर से आए, दूर दूर जाना है, अब आप जो यहां पे आए हैं यहां से क्या तोहफा लेके जाए? एक ही तोहफा आप रहा है, वो ये है, आज एक बंद करिए, वादा करिए, आप ये आज यहां से ले जाइए कि हमने विक्रमादित्य जी जो राहुल जी का कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुश्तरका कैंडिडेट है, उसको 18 तारीख भारत के
बटन को इतना दबाएंगे कि लाखों की तादाद की वोट से जीत सके इलेक्शन। हमें इतना ही यहां से लेना है और पुराना झूठ जो है घर घर सुनाना है। यह किस पर वोट देना है, कोई भी बात अब इनके पास नहीं रही, कोई भी चीज अब इनके पास नहीं रही जिस चीज पे ये वोट देना चाहते हैं, जिस चीज के लिए ये आपसे वोट मांगेंगे। आप रही बात जो साबका आपके एमपी है और उन्होंने क्या किया, एक उनका सबसे बड़ी बात साबका शहर अगर रहे इधर मैं कहूंगा, किसी साहब को 3 दिन पहले क्लास पर और चौथे दिन उनको फिर दोबारा यहां, उससे बहुत बड़ा काम कराया गया। अगर एजेंसियां यहां हो तो नोटिस करिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूं, 2 करोड़ रुपया एक दिन घुसी लेते हैं और तीसरे दिन हड़प। जरा बताइए, इंक्वायरी करिए उसके, कहां आपका विजिलेंस, कहां आपका एहसास कमीशन। ये तो पशुओं का झूठ यहां आपके कुटवा में है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना कफड़ा है 4 दिन पहले का। क्या ये पूछे डीसी साहब को रिकॉर्ड निकाले, वरना मैं रिकॉर्ड साबित करके दूंगा। इसलिए डीसी को यहां लाया गया। मैं मुलाजमीन से गुजारिश करता हूं, कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया मुलाजमीन को, कांग्रेस ने नीचे से ऊपर तक तमाम मुलाजमों को तंग दिया है, मगर खिदमत खलक के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। ऐसे अफसर अगर कल कोई गलतियां करे, हम बख्शने वाले नहीं, हम कैसी किरदार तक उनको पहुंचाएंगे। लिहाजा मैं आपसे आखिर पे आपका मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ सब साथियों का, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों का, आपका, आपसे निवेदन है कि 18 तारीख के लिए आपने ये जो हाथ का बटन दबाना है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य जी को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।